असलम एवरी वन होप यू विल बी फाइन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ हेड क्राउन बेसिकली ये किड एक्टिविटी है सो स्टेप वन इसका ये होगा कि हम सबसे पहले कोई भी जो कार्टून आपने लेना है चाहे वो स्ट्रॉबेरी शेप इससे पहले मैं स्ट्रॉबेरी भी शेप में भी हेड क्राउन बनाना बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में सो so, कोई भी आपको शेप लेनी है आप उसका पैटर्न काटोगे लाइक like दिस मुझे किटी का एक फेस पैटर्न चाहिए था तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया एंड इसके बाद मैंने उसको कट कर लिया लाइक दिस क्यूट वे में सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को सो so, फेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे चोंच की ज़रूरत है इसलिए मैंने ले लिया ऑरेंज पेपर जिसको मैं कट करने वाली हूँ और ये मैंने पेपर की शेप को फॉलो करते हुए मैंने बहुत खूबसूरती से उसकी चोंच की शेप ले ली आप पेंसिल से पहले ड्रॉ कीजिएगा या yeah. सो so, यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट शेप मिल गई है चोंच की एंड नाउ मैं इसको किसी भी स्टिक से पेस्ट कर दूँगी चोंच वाली जगह पे लाइक दिस और ओपन अप करके कीजिएगा इस तरह आपको शेप की प्रॉपर्ली शेप पता चलेगी कि टेढ़ी तो नहीं लगी सीधी तो नहीं लगी इस तरह आप प्रॉपरली शेप कर हो अच्छा इसके बाद मुझे व्हाइट से मैंने इसकी आई काट के लगा दी एंड फिर इसको ब्लैक मार्कर से सिंपल सा उसके आईज की शेप दे दी लाइक like दिस ठीक है एंड इसके बाद मुझे मैंने ऊपर बाल जो बनाने थे उसको थोड़ा सा शेप में काटा एंड मैंने वो भी पेस्ट कर दिया बहुत इजीली इसको हो गया था लाइक दिस और इसके बाद एक लंबी सी स्ट्रिप ली और उस मैंने स्टिक से वैसे आप स्टेपल कर लो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है लेकिन क्योंकि मुझे क्विक यूज़ नहीं करना था तो मैंने इसको क्विकली जो है यूज़ ना करने के बिहाफ पे मैंने इसको स्टिक से ही पेस्ट कर दिया कि वो अपने आप ही टाइम टेकिंग हो जाएगा सो so, अब मैंने इसको स्टेपल कर दिया लाइक दिस फ्रंट से भी मैं फिर बता दूँ आप स्टेपल कर सकते हो चोंच के नीचे से ठीक है सो so, यहाँ पे आपका हेड क्राउन रेडी है इट्स किड एक्टिविटी थैंक यू सो मच फॉर योर लव थैंक यू सो मच